हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एरे लिस्ट इंटरनल वर्किंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ यू कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट, राइट? द कंस्ट्रक्टर्स आई हैड एक्सप्लेन्ड, द फ्यू मेथड्स लाइक ऐड आई हैड एक्सप्लेन्ड। सो टुडे वी आर गोइंग, यू नो, वील डाइव मोर इन टू द एरे लिस्ट। ठीक है, हम लोग एरे लिस्ट के बारे में और डिटेल से सीखेंगे, और मैं इस वीडियो को एक आई ओपनर के रूप में आपको मैं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप एरे लिस्ट के बारे में कंसेप्ट जानना चाहते हैं इन डिटेल, इन डेप्थ, अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट एरे लिस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ एरे लिस्ट, ओके? या जब आप ऐड मेथड कॉल करते हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू ऐड द डेटा एंड इंटरनली हाउ डज दैट वर्क। सो इसके बारे में आप सीखेंगे, ठीक है? सो एरे लिस्ट, अगर आज के वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी सवाल छोड़ेंगे अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एरे लिस्ट, ठीक है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँगा अबाउट द क्रिएशन ऑफ एरे लिस्ट, अबाउट द एडिंग द डेटा, अबाउट द साइज ग्रोइंग, द डिफॉल्ट कैपेसिटी, थ्रेशोल्ड, लोड फैक्टर, ऑल द थिंग्स, ठीक है? सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एरे लिस्ट, ठीक है? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रिएशन ऑफ एन एरे लिस्ट, ठीक है, हाउ यू कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट। सो देर आर थ्री कंस्ट्रक्टर्स, राइट? वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लाइक यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग इनसाइड दैट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड इज दैट यू आर पासिंग, यू नो, कैपेसिटी। एंड थर्ड कंस्ट्रक्टर इज दैट यू आर पासिंग कलेक्शंस, राइट? सो देर आर थ्री कंस्ट्रक्टर्स, यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं टू क्रिएट एन एरे लिस्ट, देन उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या लिखा हुआ रहता है, हाउ डज दैट वर्क, क्या आपने कभी सोचा है? सो सी, मैं उसके ऊपर में आता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, इन बॉटम यू कैन सी दैट, राइट? द एरे लिस्ट कंस्ट्रक्टर, देन सुपर कॉलिंग, एंड देन दिस डॉट एलिमेंट डेटा। सो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि एरे लिस्ट का इंटरनल वर्किंग क्या होता है, एरे होता है, राइट? एरे लिस्ट जो होता है बेस्ड ऑन द एरे। तो एरे बेस्ड ऑन मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं तो इंटरनली जो डेटा होता है बेसिकली एक एरे में स्टोर्ड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट एरे एलिमेंट डेटा। सो देयर इज वन एलिमेंट डेटा वेरिएबल दैट इज ऑफ द एरे टाइप। विच टाइप? ऑब्जेक्ट क्लास टाइप एरे। ऑब्जेक्ट क्लास टाइप एरे में क्या होता है कि डेटा स्टोर होता है। जब भी आप कोई भी डेटा ऐड करते हो ना, सो इसी एलिमेंट डेटा में जाकर स्टोर होता है, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि एरे लिस्ट जो होता है, यू नो, बेस्ड ऑन एरे, क्योंकि इंटरनली जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो एरे में स्टोर हो रहा है, दैट इज ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप। इसीलिए आप डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, या तो आप स्टूडेंट रखो, एम्प्लॉय रखो, स्ट्रिंग रखो, इंटीजर रखो, किसी भी टाइप का आप डेटा ऐड कर सकते हो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है? एंड यू कैन सी हियर द ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट कीवर्ड, अगर आपको पता होगा कि ट्रांजिएंट कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, अगर आपको पता है कि सीरियलाइजेशन, तो आपको पता है कि ट्रांजिएंट कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, ठीक है? अगर आपको सीरियलाइजेशन के बारे में सीखना है, देन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वीडियो देयर फॉर सीरियलाइजेशन इन डिटेल, ठीक है? तो आप उसको जाकर समझ सकते हैं। तो ट्रांजिएंट कीवर्ड बेसिकली मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अगर किसी फील्ड को सीरियलाइज नहीं करना है तो उसके लिए ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमारा जो एरे लिस्ट होता है क्लास, दैट इज इंप्लीमेंटिंग क्लोनेबल इंटरफेस, दैट इज इंप्लीमेंटिंग सीरियलाइजेबल इंटरफेस। दैट मीन्स द लिस्ट वी आर क्रिएटिंग दैट इज सीरियलाइज्ड, ठीक है? बट इन द इम्प्लीमेंटेशन हियर यू कैन सी दैट द एलिमेंट डेटा दैट इन दैट द डेटा इज स्टोर्ड, दैट इज बेसिकली ट्रांजिएंट। देन हाउ डज दैट वर्किंग? सो बेसिकली एरे लिस्ट, यू नो, मैनेज दिस थिंग्स इट्स ओन, लाइक, यू नो, डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफॉल्ट, यू नो, सीरियलाइजेशन, ठीक है? सो इसलिए ट्रांजिएंट कर दिया गया, क्योंकि एरे लिस्ट क्लास जो होता है इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है? सो ए हुई ट्रांजिएंट की बात। नाउ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10। सो ए देखिए, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है अबाउट डिफॉल्ट कैपेसिटी। सो डिफॉल्ट कैपेसिटी इज अ फाइनल वेरिएबल इंट नंबर स्टैटिक, ओके? सो हुज वैल्यू इज 10। सो दैट्स वाई इंटरव्यू में आपसे जब पूछा जाए कि डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, तो आप बोल सकते हैं 10। लेकिन अगर इसको, इसमें भी एक कैच है जो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है?
ये आपको कहीं भी ऐसे कोई नहीं बताएगा और कोई भी कहीं भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, ठीक है। जब भी आप एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स द फर्स्ट लाइन लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आप लिस्ट वेरिएबल को देखेंगे तो उसमें इसकी साइज आपको जीरो मिलेगी, क्योंकि वंस यू आर इन स्लाइजिंग एट दैट टाइम नो डेटा इज बिंग एडेड, राइट। सो साइज इज जीरो एंड कैपेसिटी कैपेसिटी इज ऑल्सो जीरो। आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो कि डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है, और आप बोल रहे हो कि जब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो उस समय आपकी डिफॉल्ट कैपेसिटी जीरो है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। तो होगा क्योंकि यही एक कैच है कि जब जब आप एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं उस समय इसकी साइज एंड कैपेसिटी दोनों जीरो होती है, बट अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू ऐड द फर्स्ट एलिमेंट इन टू द एरे लिस्ट, जैसे ही आप पहला एलिमेंट ऐड करते हैं द साइज इज गोइंग टू बी सॉरी द डिफॉल्ट कैपेसिटी इज गोइंग टू बी 10, ठीक है। इसका कैपेसिटी कैलकुलेशन होता है, वो जब भी आप ऐड मेथड कॉल करते हैं तब जाके कैपेसिटी कैलकुलेट होता है उस समय। द वेरी फर्स्ट टाइम इफ यू हैव नॉट गिवन एनी साइज एंड द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू ऐड डेटा, देन इन दैट केस एट दैट टाइम द डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 विल बी यू नो एडेड फॉर द एलिमेंट डेटा, ठीक है। दैट मीन्स कि एलिमेंट डेटा जो एरे बना है ऑब्जेक्ट टाइप का, उसके साइज क्या हो जाएगी 10, ठीक है। सो दिस वे वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यू नो इट वर्क्स लाइक दैट। सो होल एंड सोल क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एरे बनता है, ऑब्जेक्ट एरे में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ऊपर से तो दिखता है कि एरे लिस्ट, राइट, एरे लिस्ट में डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर में किस में डेटा स्टोर होता है, एरे में, ऑब्जेक्ट एरे में, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग एंड द डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10 ओनली वेन आफ्टर एडिंग द फर्स्ट एलिमेंट इन टू द एरे लिस्ट। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि वेन यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एरे लिस्ट विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब उस समय क्या होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर में ए मैंने कॉपी करके रखा है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, बट मैंने एक और यू नो एरे लिस्ट का पूरा कोड जो देखिए मैंने आपको बताया था कि एरे लिस्ट किस में होता है, यूटिल पैकेज में, राइट। यूटिल पैकेज कहाँ पे होता है, rt.jar में, ठीक है। तो rt.jar में जो है वहाँ से मैंने एरे लिस्ट का एक यू नो अरेंज किया है, जिसमें एरे लिस्ट की पूरी यू नो इम्प्लीमेंटेशन है उस क्लास की। मैंने उस क्लास का कोड कॉपी करके एक कस्टम एरे लिस्ट बनाया है और उसका यूज करके मैं डिबग करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जावा 8 का ये यू नो कोड है, जावा 8 में एरे लिस्ट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर में ए वाला लाइन लिखा हुआ रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो दिस डॉट एलिमेंट डेटा इक्वल टू एम्प्टी एलिमेंट डेटा, एम्प्टी एलिमेंट डेटा इज बेसिकली और यू नो डिफॉल्ट एम्प्टी एरे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है उसको, मैं आपको उस क्लास के अंदर में दिखाऊंगा कि एम्प्टी एलिमेंट डेटा कैसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज अ फाइनल एरे, स्टेटिक फाइनल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप दैट इज असाइंड टू एलिमेंट डेटा। तो जब आप डिफॉल्ट एरे बनाते हो तो उसमें एलिमेंट डेटा में स्टोर हो जाता है अ डिफॉल्ट एरे, एंड द साइज एंड कैपेसिटी बोथ इज जीरो एट दैट टाइम व्हाइल इनिशियलाइजिंग द एरे, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू एट द फर्स्ट एलिमेंट द कैपेसिटी विल बी जीरो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द एरे लिस्ट, ठीक है। मैं अभी आपको इसका कोड भी दिखाऊंगा कि जब मैं करता हूँ तो कैसे होता है, या अगर आपको कोशिश करना है तो आप डिबग मोड में रन करो। आफ्टर क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट आप नेक्स्ट लाइन में बिफोर एडिंग द फर्स्ट डेटा आप उसमें होवर करके देखना, आपको दिखेगा जो ऑब्जेक्ट एरे है वो जीरो साइज का है एंड द साइज इज ऑल्सो जीरो। साइज और कैपेसिटी में अंतर यही है कि साइज मतलब आपने कितना डेटा स्टोर किया हुआ है उसका लेंथ आपको मिलेगा, कैपेसिटी में क्या होता है कि कैपेसिटी में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो ये अंतर हुआ आपका कैपेसिटी और साइज में। तो द वेरी फर्स्ट टाइम बिफोर एडिंग एनी डेटा द कैपेसिटी इज ऑल्सो जीरो एंड साइज इज ऑब्वियसली जीरो, ठीक है। नाउ द सेकेंड वे दैट वी कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट इज विद द गिवेन कैपेसिटी, दैट मीन्स हियर यू कैन सी दैट न्यू एरे लिस्ट 20। That means while creating an array list, I am saying that 20 size array should be created or the size of you know capacity of array list will be 20. मतलब 20 data हम लोग store कर सकते हैं, right? तो this way you know constructor is written. So मैं आपको constructor दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो public array list initial capacity super
देन यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी की चेकिंग होती है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे शायद कभी पूछा भी गया हो, लेकिन पूछा जाता है अक्सर कि अगर आप एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और क्रिएट करने के टाइम यू आर पासिंग द निगेटिव इंटीजर नंबर भैया, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन। सो आप यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टर में ही वो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया जाएगा, इनिशियल कैपेसिटी इज लेस देन जीरो, देन थ्रो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। एंड अगर आपने कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर दिया हुआ है, देन एलिमेंट डेटा विल बी क्रिएटेड, सी न्यू ऑब्जेक्ट इनिशियल कैपेसिटी, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू, जिस टाइप का करना है ऑब्जेक्ट एंड देन साइज, ठीक है। तो यहाँ पे एरे लिस्ट का जो एरे है एलिमेंट डेटा वो है ऑब्जेक्ट टाइप का, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का एरे क्रिएट कर गया विद द गिवन कैपेसिटी, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे ही आपने ये वाला लाइन एग्जीक्यूट किया, आपका कोड में क्या हो, इंटरनली क्या होगा कि एक 20 साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। राइट नाउ देर इज नो डेटा, बट कैपेसिटी इज 20 एंड साइज इज 0, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग व्हेन एवर यू आर यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर ऑफ एरे लिस्ट पासिंग द कैपेसिटी, ठीक है। नाउ इन द थर्ड कंस्ट्रक्टर व्हाट वी डू, वी आर कॉलिंग, यू नो वी आर पासिंग बेसिकली अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट। व्हेन एवर वी आर पासिंग अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट देयर कैन बी टू थिंग, ठीक है, या तो आप इसमें नल पास करो, या आप कोई कलेक्शन पास करो, या आप एम्प्टी कलेक्शन पास कर दो। अगर एम्प्टी भी करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने इसमें नल पास किया तो क्या होगा कि नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन विल बी थ्रोन, ठीक है। क्यों, यहाँ देखो, जैसे ही आप इसमें कलेक्शन को कॉल करते हो, सी डॉट टू एरे आपका जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट है अगर वो नल है तो यहाँ एन से आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई कलेक्शन आपने पास किया, कोई मान लो कि आपने कोई एक लिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, या कोई एक लिंक लिस्ट बनाया हुआ है दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, एंड यू आर गोइंग टू यू नो यूज दैट वन, सो हियर यू आर कन्वर्टिंग दैट यू नो लिस्ट और लिंक लिस्ट इन टू एन एरे, सो एलिमेंट डेटा इक्वल टू सी डॉट टू एरे, ठीक है। दैट मीन्स कि जब अब एलिमेंट डेटा में क्या होगी कि एक एरे बन गया उसका, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ इसके बाद क्या किया गया, साइज निकाला गया, साइज ले लिया कि उसमें उस एलिमेंट डेटा में कितना एरे आया है, ठीक है, कितना रिकॉर्ड आया है। अब यहाँ पे चेक होती है कि एलिमेंट डेटा डॉट गेट क्लास इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट एरे, अगर ऑब्जेक्ट एरे नहीं है उस केस में, अब आप यहाँ पे क्या होगा कि कॉपी हो जाएगा, इस एलिमेंट डेटा में कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे सी डॉट टू एरे में एरे बन चुका है, राइट। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट एरे नहीं है, जो एलिमेंट डेटा आपने यू नो यहाँ पे अगर ऐसा किया गया तो उसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे कॉपी होगा, एलिमेंट डेटा कॉमा साइज। एरेज डॉट कॉपी ऑफ मेथड के बारे में आपको शायद पता हो, एरेज डॉट कॉपी ऑफ मेथड क्या करता है, इट क्रिएट यू नो कॉपी द डेटा ऑफ वन एरे यू नो और इट क्रिएट्स अ न्यू एरे विद द एग्जिस्टिंग डेटा यू नो द साइज गिवेन, ओके, ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। तो दिस इज द टास्क ऑफ एरेज डॉट कॉपी ऑफ मेथड, आपका एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा विद द गिवेन साइज, ठीक है, विद द कॉपिंग द डेटा, नॉट ओनली द नॉट एम्प्टी एरे, ठीक है, विथ कॉपिंग द डेटा। सो दिस इज अ थ्री कंस्ट्रक्टर, आई विल शो यू इन इक्लिप्स दैट वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ एरे लिस्ट एट दैट टाइम वेन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। मैं आपको डिबग करके दिखाऊंगा एक्चुअली, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर एरे लिस्ट में आपको डिटेल में समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो खुद से भी पढ़ के, लेकिन अगर अगला कोई समझाता है, कोई मेहनत करता है और अगला अगर किसी को फायदा पहुंचे तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही, और आपका टाइम कम बचे होगा खपत, और उसके बाद आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएंगे, यू नो इन लेस टाइम यू विल बी एबल टू लर्न द इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एरे लिस्ट। जब आप कंस्ट्रक्टर व्हेन यू आर कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर और जब आप यू नो कॉलिंग एड मेथड, सो मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा और आपको डिबग भी करके बताऊंगा कि कैसे उसमें यू नो इंटरनली वर्क्स, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द क्रिएशन ऑफ एरे, बट फर्स्ट लेट्स लर्न द एड ऑल्सो थियोरेटिकली, देन आई विल गो टू द इक्लिप्स एंड विल डिबग एंड विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, द क्रिएशन एंड द एडिंग डेटा, ठीक है, इन डिटेल, बट फर्स्ट लेट्स कंप्लीट कवर द थ्योरी। सो हाउ एड मेथड वर्क्स और साइज ग्रो डायनामिकली, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एरे में क्या होता है, फिक्स्ड साइज होता है, राइट, एरे क्या होता है, फिक्स्ड साइज। जब भी आप एरे क्रिएट करते हो, आप इसमें कंस्ट्रक्टर में आपने देखा भी कि यहाँ पे क्या हुआ,
कि ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट होता है ऑफ द गिवन साइज, राइट। सो अगर एरे लिस्ट को हम बोल रहे हैं कि डायनामिकली साइज ग्रोज डायनामिकली, और मैं बोल रहा हूँ कि एरे फिक्स्ड साइज का और एरे लिस्ट का इंटरनल वर्किंग बेस्ड ऑन एरे, तो ये तो अपने आप में यू नो विरोधा हो गया, विरोधाभास हो गया दोनों स्टेटमेंट में, राइट, इट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग। सो नाउ व्हाट विल हैपन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एरे लिस्ट इज ग्रोइंग डायनामिकली, क्यों, कब, जब भी एरे लिस्ट फुल हो जाता है उसमें जो भी यू नो उसका कैपेसिटी है, डेटा स्टोर हो गया उसके कैपेसिटी के बाद, तो साइज ग्रो हो जाती है। ग्रो होगा तो उसमें मतलब क्या होगा, जब ग्रो होता है तो अगेन यू नो एरेज डॉट कॉपी ऑफ मेथड कम्स इन टू द पिक्चर, क्रिएट्स अ न्यू एरे, और आफ्टर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी क्रिएट्स अ न्यू एरे, और फिर उसके बाद उस कॉपी में न्यू एरे में डेटा कॉपी हो जाता है। तो सेम एरे इज नॉट स्ट्रेचेबल, जो एग्जिस्टिंग है साइज कैपेसिटी का उसमें नहीं हुआ, एक कॉपी किया गया, सो एक कॉपिंग हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस एरे में जो आपने बनाया दैट इज यू नो ग्रोइंग, नो, द कंसेप्ट ऑफ एरे इज लाइक ऑलवेज क्रिएटेड विद द फिक्स साइज। तो जब भी आपका एरे लिस्ट जितना भी डेटा होता है और अगर यू नो साइज उसका कंप्लीट हो जाता है, फुल हो जाता है, तो उसके बाद यू नो कॉपिंग होता है डेटा इनटू अ न्यू एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पब्लिक बुलियन ऐड मेथड, ऐड मेथड में यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे, मैं आपको थ्योरेटिकली पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐड मेथड कॉल करते हो तो पहला काम क्या है, चेकिंग करता है कि कैपेसिटी है कि नहीं इसका स्टोर करने का। अगर कैपेसिटी है तो वेल एंड गुड, विल रिटर्न एंड, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा रिटर्न ट्रू, क्योंकि ऐड मेथड होता है रिटर्न करता है बुलियन टाइप, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर फिर उसके बाद आपका मान लीजिए कि कैपेसिटी नहीं है तो क्या करेगा कि इंश्योर कैपेसिटी इंटरनल, देर आर चेन मेथड चेन इन साइड दैट मेथड एंड कैपेसिटी विल यू नो इंक्रीज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग, जब अगर कैपेसिटी फुल हो गया तो फिर उसके बाद इसमें डेटा स्टोर होगा। तो पहला काम क्या होता है जब भी आप ऐड मेथड कॉल कर रहे हो, तो पहला काम कैपेसिटी चेकिंग की होती है, ठीक है। तो कैपेसिटी चेकिंग में क्या हो गया कि जैसे ही आपने मान लो कि आप एक स्टूडेंट क्लास का एरे लिस्ट बना रहे हो और यहाँ पे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट पास किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंश्योर कैपेसिटी इंटरनल विल बी कॉल्ड फर्स्ट, इंश्योर कैपेसिटी इंटरनल विल बी कॉल्ड द वेरी फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम साइज इज जीरो, राइट, जीरो प्लस वन। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मिनिमम कैपेसिटी वन पास किया गया इंश्योर कैपेसिटी इंटरनल दिस इज वन, राइट। यहाँ पे मीन कैपेसिटी क्या वन है, आप मेरे जो एरे लिस्ट है उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि द वेरी फर्स्ट टाइम वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट, उस समय उसकी एरे क्या होता है, एम्प्टी एरे होता है, राइट, कोई कैपेसिटी नहीं, कोई साइज नहीं। तो अब यहाँ पे वन पास किया गया, अब यहाँ पे चेक किया गया एलिमेंट डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी एलिमेंट डेटा, दोनों एम्प्टी रहेगा ऑब्जेक्ट टाइप का, तो यस इट्स करेक्ट, देन इट विल रन, इट विल गेट द मीन कैपेसिटी, मीन कैपेसिटी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स डिफॉल्ट कैपेसिटी कॉमा मीन कैपेसिटी। तो मीन कैपेसिटी क्या है, वन, डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, टेन, मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी टेन हुआ, और तो मैथ डॉट मैक्स, ये मैक्स क्या है, मैथ क्लास का फंक्शन है, तो मैथ डॉट मैक्स करने से आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर 10 कॉमा 1, तो मैक्सिमम क्या हुआ 10, तो मीन कैपेसिटी क्या हो गया 10। अब उसके बाद इंश्योर एक्सप्लिसिट कैपेसिटी इज बीइंग कॉल्ड बाय पासिंग 10, अब यहाँ पे 10 आ गया। मॉड काउंट, मॉड काउंट के बारे में आपको बताऊं कि जब भी आप एरे लिस्ट में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो उस समय मॉड काउंट इंक्रीज होता है। ए एरे लिस्ट का अपना मैकेनिज्म है टू कीप ट्रैकिंग कि कितने बार उस लिस्ट को आपने मॉडिफाई किया है, ठीक है, तो उसके लिए मॉड काउंट होता है। नाउ अभी मीन कैपेसिटी मेरा क्या है 10, साइज क्या है 0, राइट, क्योंकि एलिमेंट अभी तक तो मैंने ऐड नहीं किया, राइट, क्योंकि ऐड होगा यहाँ पे इस लाइन पे, आप मेरा कर्सर नोटिस करो, इस लाइन पे ऐड होगा, राइट, बट यहाँ पे अभी तो हम इसी के कॉलिंग के अंदर में है, तो अभी तक तो इसमें कोई डेटा नहीं, एलिमेंट डेटा में कोई भी डेटा ऐड नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि इसकी लेंथ 0 है, राइट, और मीन कैपेसिटी 10 माइनस 0 ग्रेटर देन 0 10 हुआ। 10 के बाद क्या हुआ, ग्रो मीन कैपेसिटी, यहाँ पे आप ग्रो मेथड कॉल हो जाएगा। जब ग्रो मेथड कॉल होता है तो यहाँ पे इंट मीन कैपेसिटी, यहाँ पे मीन कैपेसिटी आपका में आया 10। अब उसके बाद देखिए, अब क्या होता है कि यहाँ पे चेक किया जाता है कि कैपेसिटी क्या होना चाहिए, एक कैलकुलेट कर रहा है बेसिकली, ये जो लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द कैपेसिटी, अभी तो कैपेसिटी क्या है 0 है, अभी तक कैपेसिटी 10 नहीं हुआ है। सो ओल्ड कैपेसिटी इक्वल टू एलिमेंट डेटा डॉट लेंथ, अब यहाँ पे क्या मिलेगा 0, राइट,
जीरो है तो इसका भी अभी न्यू कैपेसिटी भी जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस जीरो कर रहे हो तो जीरो हो जाएगा। नाउ न्यू कैपेसिटी माइनस मीन कैपेसिटी। अब न्यू कैपेसिटी क्या है? जीरो। मीन कैपेसिटी मैंने क्या पास किया है? टेन। जीरो माइनस टेन लेस देन जीरो, राइट। तो न्यू कैपेसिटी इक्वल टू मीन कैपेसिटी, मीन कैपेसिटी की वैल्यू टेन, दैट इज नाउ गोइंग टू बी अपडेटेड फॉर न्यू कैपेसिटी। सो अब न्यू कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी? टेन। अब अगला लाइन रन करेगा, न्यू कैपेसिटी इज 10 माइनस मैक्स एरे साइज। मैक्स एरे साइज निकालना है तो आपको 32 बिट का हाईएस्ट नंबर माइनस 8 निकालो, दैट इज मैक्स एरे साइज, ठीक है। तो क्या 10 माइनस ए होगा? नो, इट विल बी ऑलवेज लेस, ठीक है। तो ये वाला रन नहीं करेगा। नाउ जब अगर आपका यू नो मिनिमम कैपेसिटी आपको मिल गया है और ये वाला ब्लॉक रन नहीं किया, तो अब यहाँ पे देखो एरेज डॉट कॉपी ऑफ हो रहा है। अब जो एलिमेंट डेटा एम्प्टी एलिमेंट डेटा है जिसकी कैपेसिटी जीरो है और साइज भी जीरो है, अब यहाँ पे उसकी न्यू कैपेसिटी अपडेट हो जा रही है, मतलब कि अब एक नया एरे बन जाएगा। अब उसको 10 को साइज जो है, जो एलिमेंट डेटा 10 साइज जो है डिफॉल्ट कैपेसिटी, नाउ दैट इज गोइंग टू बी अपडेटेड फॉर दैट ऑब्जेक्ट एरे। तो वो ऑब्जेक्ट एरे का साइज क्या हो गया? 10। स्टिल देर इज नो डेटा इन दैट एरे, बट नाउ द कैपेसिटी ऑफ द यू नो एलिमेंट डेटा इज 10, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चेक होता है कि मीन कैपेसिटी जो आया लेस देन जीरो है या नो। अगर मीन कैपेसिटी लेस देन जीरो होगा तो आउट ऑफ मेमोरी एरर थ्रो हो जाएगा, या फिर यहाँ पे अब चेक होगा कि मीन कैपेसिटी ग्रेटर देन मैक्स एरे साइज, अगर ऐसा है तो मैक्स वैल्यू, अदरवाइज मैक्स एरे साइज। तो ये बेसिकली यू नो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन हाँ इस तरीके से आपका कैपेसिटी कैलकुलेट होता है और एलिमेंट डेटा में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब अगर आपका यहाँ से स्टोर हो गया यू नो एरे लिस्ट का या जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी तय हो गई, अब क्या होगा कि डिफॉल्ट कैपेसिटी इज देयर, राइट। सो वैल्यू इज 10। नाउ उसके बाद क्या है कि एलिमेंट डेटा साइज प्लस प्लस, मतलब अब यहाँ पे शुरू में तो साइज जीरो है, जीरो प्लस प्लस, तो जीरो पोजिशन पे अभी क्या हो गया? एलिमेंट आ गया, साइज बढ़ के क्या हो गई? एक, ठीक है। देन रिटर्न ट्रू, तो जीरो पोजिशन पे एक एलिमेंट स्टोर हो गया। नाउ जीरो अभी साइज क्या है? वन। अब दोबारा जब आप कॉल करोगे तो वन प्लस वन टू, मतलब अब यहाँ पे सेम फ्लो होगा टू करके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टू आया, मीन कैपेसिटी टू। अब क्या एलिमेंट डेटा और एम्प्टी एलिमेंट डेटा दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि इस एलिमेंट डेटा में एक डेटा तो स्टोर हो गया, राइट। एम्प्टी एलिमेंट डेटा में मिला नहीं, तो अब सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे टू पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू पास हुआ, फिर मोड काउंट आपका अपडेट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे चेक होगा कि मीन कैपेसिटी और जो एलिमेंट डेटा डॉट लेंथ है वो आपका कैलकुलेट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर वो आपका सेटिस्फाई करेगा तब आपका ग्रो मेथड कॉल होगा, अदरवाइज ग्रो मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वे इट वर्क्स। मैं अभी आपको डिबग भी करके बताऊंगा कि इसका साइज कैसे ग्रो होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप डेटा ऐड करते हो उसकी साइज कब कैपेसिटी कब बढ़ती है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट फैक्टर इज 0.75, दैट इज 75%, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एरे लिस्ट की साइज ग्रो तब होती है जब थ्रेशोल्ड हिट होता है, दैट मींस लोड फैक्टर इनटू यू नो कैपेसिटी। सो डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10.75 मींस 75%, मींस जैसे ही आपका सेवंथ डेटा इंसर्ट होता है थ्रेशोल्ड हिट्स, देन यू नो द कैपेसिटी इंक्रीजेज, राइट। अब आप सोचो कि एरे लिस्ट क्या होता है कि एरे बेस्ड है, मतलब उसका जो लास्ट 25% है विल बी ऑलवेज एम्प्टी, राइट। तो मैंने इसमें और रिसर्च किया तो मैंने पाया कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज रॉन्ग, एंड इन द लोड फैक्टर बेसिकली द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर इज ऑलवेज वन, कैन नॉट बी मोर देन वन, राइट। सो लोड फैक्टर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है एरे लिस्ट में, इसलिए क्योंकि एरे लिस्ट इज यू नो बेस्ड ऑन एरे लीनियर यू नो लीनियर ऑर्डर में मेंटेन होता है, तो एरे लिस्ट में लीनियर में स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन पे ऑलवेज स्टोर होता जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट होते चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लोड फैक्टर का जरूरत नहीं है और थ्रेशोल्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा भी जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप लोड, क्योंकि आप अगर एरे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्लास देखोगे तो कहीं भी आपको लोड फैक्टर और थ्रेशोल्ड करके साइज ग्रो नहीं होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि साइज कैसे ग्रो होता है, द डिफॉल्ट कैसे वहाँ पे यू नो कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। तो कैपेसिटी कैलकुलेट होने का इसका अलग मैकेनिज्म है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इस ग्रो मेथड का यूज करके साइज ग्रो होता है, ठीक है।
कहीं भी थ्रेशोल्ड से मल्टीप्लाई नहीं होता है, लोड फैक्टर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोड फैक्टर डिफॉल्ट इज 0.75, बट एक्चुअली इट्स नॉट, ठीक है, 1 होता है। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, आई विल कमेंट इन कमेंट बॉक्स ऑफ द लास्ट वीडियो ऑल्सो सो दैट यू कैन इग्नोर, ठीक है। तो लोड फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड इन एरे लिस्ट, ठीक है, एज डेटा इज स्टोर्ड इन लीनियर फॉर्मेट इन एरे लिस्ट, ठीक है। थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे लिस्ट, थ्रेशोल्ड कब हिट होगा, मतलब वही कि जब इसका साइज पूरा हो जाएगा, सारा डेटा ऑक्यूपाई हो जाएगा, जो भी जितना भी कैपेसिटी है तब उस एरे लिस्ट में आपका होगा, ठीक है। नाउ ये तो हुई लोड फैक्टर एंड थ्रेशोल्ड की बात। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इक्लिप्स में कि कैसे आप जब एरे लिस्ट क्रिएट करते हो तो कैसे होता है और आपका यू नो साइज कैसे ग्रो होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएशन एग्जांपल क्लास बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, कस्टम एरे लिस्ट। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक कस्ट जो एरे लिस्ट का जो जावा 8 का कोड है, मैंने उसको कॉपी कर लिया है और उसको मैंने एक रिप्लेस कर दिया नेम फ्रॉम एरे लिस्ट टू कस्टम एरे लिस्ट, सो दैट मैं आपको डिबग करके बता पाऊँ कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। अगर आप यू नो देखोगे तो एवरीथिंग इज सेम, ओनली इन ओनली अबाउट द यू नो कस्टम एरे लिस्ट नेम, ओनली द क्लास नेम दिस इज ओनली डिफरेंट, ठीक है, बाकी और सब चीज़ सेम है। मैं डिबग करने के लिए मैंने ऐसा किया है। नाउ इम्प्लीमेंट्स, देखो जब भी एरे लिस्ट इसका यू नो डिक्लेरेशन आप देखोगे तो दैट एरे लिस्ट यू नो क्लास एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, इम्प्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल, ठीक है। नाउ जब भी आप एरे लिस्ट क्रिएट करते हो, तो मैंने यहाँ पे कस्टम एरे लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं इसको डिबग करके आपको बताऊंगा कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेट्स ओपन दैट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये इनिशियल कैपेसिटी, सो दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हियर यू कैन सी दैट कंस्ट्रक्ट्स एन एम्प्टी लिस्ट विद द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। अब आप यू नो एम्प्टी एलिमेंट डेटा में जाओगे, एम्प्टी एलिमेंट डेटा के यहाँ पे फाइनल ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है, ये ब्लैंक है, सो दिस इज एम्प्टी एलिमेंट डेटा, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन द एलिमेंट डेटा। एलिमेंट डेटा क्या है, यहाँ पे देखो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट एरे एलिमेंट डेटा, ठीक है। इसी में जब भी आप एरे लिस्ट में कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो अबाउट एडिंग और रिमूविंग द डेटा, देन दैट हैपेंस इन दिस एलिमेंट डेटा एरे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अगर आप इसको डिबग करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप यू नो हम लोग बात करते हैं ना कि डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, 10 है, बट दैट इज बेसिकली 10 ओनली आफ्टर एडिंग द फर्स्ट डेटा, यहाँ पे देखो फ्रूट नेम लिस्ट। अगर मैं इस पर होवर करता हूँ, यू कैन सी दैट दिस इज एन एम्प्टी एरे, राइट, कोई भी डेटा नहीं है, साइज इज 0, मोड काउंट इज 0, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, एलिमेंट डेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट 0, मतलब यहाँ पे अभी इसकी कैपेसिटी क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। बट मैं जैसे फर्स्ट एलिमेंट ऐड करूँगा, देखना आप कैसे होगा। सो अगर आपको इसका कंस्ट्रक्टर देखना है तो यहाँ पे इस पर भी मैं डिबग लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट सेकेंड रन इन द डिबग मोड। यहाँ पे आप देखो कहाँ पे है कस्टम एरे लिस्ट, यहाँ पे आ गया सुपर, अब यहाँ पे दिस डॉट एलिमेंट डेटा इक्वल टू एम्प्टी एलिमेंट डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉल होता है, यहाँ पे फ्रूट नेम लिस्ट में आ गया, ठीक है, सो दिस इज एम्प्टी। नाउ आप समझ पा रहे हो। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में चलते हैं, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करता रहा हूँ कि कैपेसिटी को पास कर रहा हूँ 20, ठीक है। और अब मैं इसको डिबग में रन करके देखता हूँ क्या होता है। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी की क्या वैल्यू है, 20। अब इनिशियल कैपेसिटी लेस देन 0, नो। अब यहाँ पे आएगा इसमें और न्यू ऑब्जेक्ट एरे करके यू नो इनिशियलाइज कर देगा इसमें, ये देखो। अब फ्रूट नेम लिस्ट पे जाओ, अब यहाँ पे देखो कि अभी इसमें साइज क्या है, 0, मोड काउंट क्या है, 0, क्योंकि कोई भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। अब यहाँ पे एलिमेंट डेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट 20, यहाँ पे आप देख सक पा रहे हो कि आपने जो पास किया था कैपेसिटी वो होगी 20, ठीक है। सो दिस वे यू कैन क्रिएट। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑलरेडी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो ए वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। अब यहां पे भी डिबग लगा दिया मैंने, अब इसको रन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इस लिस्ट में कोई भी डेटा पास नहीं किया, ठीक है।
तो मैं दोनों केस आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो सी क्या है, एक ब्लैंक है, ठीक है, एफ सिक्स। तब यहाँ पे देखो क्लेमेंट डेटा क्या है, ब्लैंक है, ऑब्जेक्ट जीरो, ठीक है। अब साइज क्या रहेगी, ऑब्वियसली जीरो, ठीक है, इसमें गया ही नहीं। अब यहाँ पे फ्रूट नेम लिस्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो। अब मोड काउंट जीरो, साइज जीरो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पास करो, मैं आपको लिस्ट डॉट एड में कुछ ऐड कर दे रहा हूँ फर्स्ट, अब क्या होगा, लेट्स सी। यहां पे आया सी डॉट टू एरे, इलेवन डेटा क्या साइज का हो गया, ये देखो ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो गई, वन। अब यहां पे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आया, अब फ्रूट नेम लिस्ट देखो, यहां पे कितने साइज का ऑब्जेक्ट आ रहा है, वन, क्योंकि आपने जिस साइज का कलेक्शन पास किया उस साइज का एरे बनकर आ गया। यू हैव नॉट गिवन एनी कैपेसिटी और द डिफॉल्ट कैपेसिटी इज ऑल्सो नॉट अप्लाइड, क्योंकि डिफॉल्ट का केस तो तब आता है जब आपने कुछ नहीं दिया हो। जब आपने दे दिया कि एक लिस्ट आपने पास किया और उसकी साइज वन है, तो फिर डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट तो कॉल होगा नहीं, और आपने चूंकि एक ही किया है तो एक ही साइज का ऑब्जेक्ट एरे बन गया, साइज वन है, ठीक है। अभी इस फ्रूट नेम लिस्ट में कुछ भी नहीं मोड काउंट हुआ, अगर आप इस लिस्ट का देखोगे तो मोड काउंट वन मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एरे लिस्ट किया है बाय मिस्टेक, क्योंकि हम लोग का आदत होता है एरे लिस्ट करने का, मैंने कस्टम एरे लिस्ट नहीं किया। तो क्या हुआ कि एक लिस्ट तो मैंने बना दिया, अब इस जो लिस्ट बनाया है इसका आप देखो अभी तक यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट 10 बन गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पास करो, मैंने अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस लाइन पे डिबग रखता हूँ ये भी, चलो एक साथ मैं आपको दोनों चीज एक्सप्लेन कर पाया। अब यहाँ पे देखो ये जो लिस्ट बना है अभी इसकी क्या है, साइज जीरो। अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने कस्टम एरे लिस्ट में कुछ किया है, तो उसका भी आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो कि जो एरे लिस्ट क्लास है, एरे लिस्ट क्लास को मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एरे लिस्ट यूज किया है, और यहाँ पे देखो एलिमेंट डेटा की साइज ऑब्जेक्ट जीरो। लेकिन अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दूंगा, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं अब फिर से डिबग मोड कर मैं जा रहा हूँ जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप देखो कि लिस्ट में अभी क्या है, फर्स्ट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 10, ठीक है। तो जैसे ही आप फर्स्ट डेटा ऐड करते हो साइज 10 हो जाती है, वो मैं अभी आपको डिबग करके बताने वाला हूँ, क्योंकि इस ऐड से तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं कस्टम एरे लिस्ट में ऐड करूंगा तो मेरा डिबग वाला चलेगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज अ थ्री कंस्ट्रक्टर यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट यू नो एरे लिस्ट। तो चलो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कस्टम एरे लिस्ट में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ यू नो कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग इंटरनली, राइट। अब मैं आपको बोलने जा रहा हूँ एक चीज़ और। अभी जब मैं बोलता हूँ कि डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10 आफ्टर एडिंग द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, बिना कुछ ऐड किए भी मैं इसमें एक मेथड है उसको कॉल करके इंश्योर कैपेसिटी, मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, कैपेसिटी दे सकता हूँ बेसिकली नोट डेटा। तो इस लाइन के बाद क्या होगा, इंश्योर कैपेसिटी में अगर आप जाओगे, यहाँ पे देखो इंश्योर कैपेसिटी, इंश्योर कैपेसिटी में जाओगे तो यहाँ पे चेक होगा क्लेमेंट डेटा इज एम्प्टी और नॉट। इफ इट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन मतलब एलिमेंट डेटा एम्प्टी है, अगर इसमें कुछ डेटा है और इज नॉट मैचिंग, ठीक है, अगर मैच नहीं करता है देन जीरो, अदरवाइज डिफॉल्ट कैपेसिटी, ठीक है। और अगर मीन कैपेसिटी ग्रेटर देन मीन एक्सपैंड यहाँ पे आया तो इंश्योर कॉल करके इसमें सेट करेगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि मैंने इस मेथड को कॉल कर दिया, अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको समझाया कि जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हो और जब तक आप कोई फर्स्ट डेटा ऐड नहीं कर रहे हो, जैसे आप फर्स्ट डेटा ऐड करते हो तब जाके इसकी कैपेसिटी डिफॉल्ट अप्लाई होती है 10, तब लेकिन उसके पहले नहीं अप्लाई होती है। इस एग्जाम्पल में भी मैं कोई भी डेटा ऐड नहीं किया, आई जस्ट यू नो पास द 50 टू इंश्योर कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हो कि जब इस वाले लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद आपका क्या होगा कि लाइन रन करने के बाद आपका कैपेसिटी 50 अपडेट हो जाएगा फॉर दिस फ्रूट नेम लिस्ट, ठीक है। सो लेट्स डिबग दिस ऑल्सो। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एम्प्टी एरे बन गया फ्रूट नेम लिस्ट। अभी आप इसका देख रहे हो कैपेसिटी क्या है, जीरो,
मॉड काउंट जीरो, साइज जीरो। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट कैपेसिटी कॉल हुआ, ठीक है। मीन कैप, मीन एक्सपांड क्या है? मीन एक्सपांड इज 10, क्योंकि 11 डेटा में कोई भी डेटा नहीं है, राइट? इट्स एम्प्टी, इट्स एम्प्टी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मीन एक्सपांड हो गया 10। अब मीन एक्सपांड, अब इंश्योर एक्सप्लिसिट कैपेसिटी कॉल होगा, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड काउंट आ गया, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो कैपेसिटी बढ़ाने का, मतलब उस एरे लिस्ट के लिए आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो मॉड काउंट आपका अपडेट होगा। अब यहाँ पे देखो मीन कैपेसिटी क्या है, 50, ठीक है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखो मीन कैपेसिटी, मीन कैपेसिटी क्या पास किया था मैंने, 50, ठीक है। मीन एक्सपांड क्या आया था, 10। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मीन कैपेसिटी और मीन एक्सपांड, क्योंकि अब जब अगर आप मान लो कि सेट करो आप इस मेथड में 50 के जगह पे 5 पास करते हो, तो मिनिमम कैपेसिटी आया 5, डिफॉल्ट कैपेसिटी मीन एक्सपांड क्या है, 10, ये तो बढ़ा नहीं तो मैक्सिमम वाला चला जाएगा। लेकिन अगर मीन कैपेसिटी आपने 50 पास किया, दैट इज मोर देन 10, और मीन एक्सपांड, तो आप यहाँ, यहाँ पे मीन कैपेसिटी पास किया गया और इसमें जाकर यहाँ पे अब इसकी वैल्यू सेट होगी, इंसर्ट कैप यू नो मीन कैपेसिटी और ग्रो मेथड कॉल हो गया। सो यूजिंग दिस यू नो इसका साइज बढ़ जाता है कैपेसिटी। यहाँ देखो आप 11 डेटा की साइज क्या होगी, 50, मॉड काउंट 1, बट देर इज नो यू नो एडिंग डेटा हैपेंड, दैट्स वाई साइज इज 0, ठीक है। सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ इसको अभी अब मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्रूट नेम लिस्ट में एक डेटा ऐड करने जा रहा हूँ। लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड फ्रूट 1, लेट्स से एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कस्टम एरे लिस्ट में मैंने तो कोई कैपेसिटी पास नहीं करा है, तो जैसे ही आपका फर्स्ट लाइन ऐड कॉल होता है, सो कॉल करने से पहले एप्पल से इस लाइन से पहले इसकी कैपेसिटी और साइज क्या होती है और इस लाइन के बाद क्या होती है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ऐड मेथड की इंप्लीमेंटेशन में भी लेकर चलता हूँ। अभी तक चलो मैं अब डिबग करता हूँ। पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, परफेक्ट कॉल हुआ। अब इस फ्रूट नेम लिस्ट का भी क्या है, ऑब्जेक्ट साइज 0, साइज 0, डेटा साइज 0, मोड काउंट इज 0। मैंने अब ऐड मेथड कॉल किया, ऐड मेथड में चलते हैं। ऐड मेथड में करने के बाद क्या होगी, पहले इट विल चेक द कैपेसिटी, कैपेसिटी इंश्योर करेगा कि इसकी कैपेसिटी क्या है। तो साइज अभी क्या है, 0, 0 प्लस 1, ठीक है। इसके इंप्लीमेंटेशन में आगे चलते हैं, 0 प्लस 1। यहाँ पे अभी मैं अब आगे चलता हूँ इसमें, मीन कैपेसिटी, मीन कैपेसिटी क्या पास हुई, 1। अब यहाँ पर चेक करा जाएगा एम्प्टी डेटा एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट डेटा, दोनों इज एम्प्टी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा, इसमें जाएगा मैथ डॉट मैक्स। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, 10। ये देखो मैं इसी डिफॉल्ट कैपेसिटी की बात कर रहा था, ठीक है। अब इस डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, 10, 10 कॉमा मीन कैपेसिटी 1, तो मैथ डॉट मैक्स क्या रिटर्न करेगा, 10, राइट। तो मीन कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो गई, 10। अब यहाँ पे 10 कैपेसिटी कॉल किया गया इंश्योर एक्सप्लिसिट कैपेसिटी में। अब यहाँ पे देखो यही इंश्योर एक्सप्लिसिट कैपेसिटी वाज बीइंग कॉल्ड फ्रॉम द इंश्योर कैपेसिटी मेथड व्हेन आई हैड पास्ड 50 एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो यही मेथड कॉल हुआ था और यहाँ से ग्रो मेथड कॉल हुआ था। चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मीन कैपेसिटी क्या आया है, 10। मीन कैपेसिटी क्या है, 10। एलिमेंट डेटा क्या है, कुछ भी नहीं, 10 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, 10। अब चलते हैं ग्रो मेथड में, जब अगर यहाँ पे 10 पास हुआ तो अब क्या होगा। अब यहाँ पे मीन कैपेसिटी क्या है, मीन कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, 10 है। अब 10 तो ओल्ड कैपेसिटी क्या है, 0। एलिमेंट डेटा डॉट लेंथ, एलिमेंट डेटा तो एम्प्टी है अभी, कुछ भी डेटा ऐड नहीं हुआ, 0। अब न्यू कैपेसिटी इसके कैलकुलेशन के बाद क्या आया है, सो 0। सो यही वाला लाइन है जो आपका न्यू कैपेसिटी कैलकुलेट करता है, ठीक है। लाइन नंबर 155 यही लाइन यू नो कैलकुलेट करता है न्यू कैपेसिटी, और उसके बाद नीचे लॉजिक में सेट होता है कि ओल्ड वाला ही रहने वाला है या न्यू वाला होगा, ठीक है। तो अब न्यू कैपेसिटी क्या है मेरा, 0। मीन कैपेसिटी क्या है, 10। तो 0 माइनस 10 लेस देन 0, तो 0 माइनस 10 0। तो यहाँ पे अब न्यू कैपेसिटी क्या हो गया, 10, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो न्यू कैपेसिटी टू 10 हुआ, मैक्स एरे साइज क्या है, देखो ये वाला होता है मैक्स एरे साइज, तो ये 10 माइनस इतना नंबर ये तो लेस देन जीरो होगा, बट यहाँ कंडीशन ये ग्रेटर जीरो, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा अभी, ठीक है। अब यहाँ देखो एलिमेंट डेटा, अब एलिमेंट डेटा में यहाँ पे क्या किया, तो एरेज डॉट कॉपी ऑफ, अब क्या हो, देखो अब एलिमेंट डेटा यहीं पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट डेटा एक नया एरे बन गया विथ डेटा नल, देखो इसकी साइज क्या होगी 10, मतलब बिफोर एडिंग एनी डेटा इन टू एन एरे, यहाँ पे देखो सारे वैल्यू इसके नल हैं और इसकी कैपेसिटी क्या है 10, राइट। अब आपको समझ में आया, अभी तक डेटा कोई भी ऐड नहीं किया, दैट्स वाई नल नल है, मैंने तो ऐड मेथड कॉल किया है ना, अभी तक कोई भी डेटा ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐड मेथड में चलते हैं दोबारे, यहाँ पे आते हैं, देखो इनसे यहाँ से अभी अब क्या होगी कि इसकी कैपेसिटी क्या हो गई है 10, राइट। अब ये वाला लाइन क्या करेगा कि डेटा ऐड कर देगा, यहाँ देखो एलिमेंट डेटा में अब क्या हो गया एप्पल और बाकी नल 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 नल, नल, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, डेटा ऐड होता है एरे लिस्ट में। अब आप यहाँ पे आके चेक करो कि एरे लिस्ट आपका वही 10 साइज का है, मॉड काउंट 1 साइज 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऐड मेथड काम करता है। अब आप सोच रहे हो कि ये तो ऐड मेथड हुआ, अब साइज कब ग्रो होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मैं सेवन फ्रूट्स की बात करूंगा अभी, ठीक है। एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, एप्पल 5, एप्पल 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। मैंने यहाँ पे 11 फ्रूट्स को ऐड करने का डिसीजन लिया कि मैं इस लिस्ट में 11 एप्पल्स ऐड करूँगा, ठीक है। एप्पल 1, एप्पल 2, ठीक है। चलो यहाँ से मैं अभी हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक रखता हूँ एंड देन मैं 7th पोजीशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। चलो मैं डिबग करता हूँ अब, कंस्ट्रक्टर बना, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ऐड मेथड कॉल हुआ, चलो ऐड मेथड से अभी क्या है, डिबग पॉइंट हटाते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक समय डिबग आएगा, तो मुझे ज़रूरत है 7th टाइम ऐड करने की। मतलब जब लोग बोलते हैं ना कि 75% डेटा ऐड होगा उसके बाद होगा, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है एरे लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें आगे इंसर्ट कैपेसिटी, देखो फ्रूट नेम लिस्ट अभी तक कितने एप्पल 6, 6 एप्पल ऐड हो गए हैं, मॉड काउंट इज 6, साइज क्या है 10, अभी तक साइज ग्रो नहीं किया है, ठीक है। अब मैं देखते हैं कि जब 7th पोजीशन ऐड करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। अब 7th पोजीशन जब 7th टाइम ऐड मेथड कॉल करेंगे, 7th एलिमेंट ऐड करेंगे, तो क्या उस समय बढ़ता है कि नहीं, लेट्स सी दैट। स्क्वायर कैपेसिटी इंटरनल, यहाँ पे चेक हुआ मीन कैपेसिटी क्या है 7, यहाँ पे एलिमेंट डेटा ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं, सीधा आ गया मीन कैपेसिटी 7। अब क्या कर रहे हैं, किस में चलते हैं, मॉड काउंट एक बार अपडेट हो गया, मीन कैपेसिटी क्या है 7, एलिमेंट डेटा लेंथ क्या है 10, ठीक है। अगर आप इसको निकालोगे, क्या है एलिमेंट डेटा लेंथ 10, क्योंकि बाकी एलिमेंट में नल डेटा है ना, तो साइज तो बढ़ेगा, अब आपका भी ग्रो कॉल हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो गया, अब साइज अब 7 हो गया दोबारे, अब फिर से यहाँ पे यू नो ऐड मेथड कॉल हो गया है, ये वाला एप्पल 8 ऐड करने के लिए हुआ, एलिमेंट आप ई में देख सकते हो एप्पल 8 आया है, मतलब 8वां 7th में हुआ कि नहीं, अब 8th में देखना है कि होगा कि नहीं, 7th में तो नहीं हुआ, 8th में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर तो सेम चीज अप्लाई होगा ना, अब आप यहाँ पे चेक करो, जब ग्रो मेथड कॉल करना, मीन कैपेसिटी क्या मिला है मुझे 8, ठीक है। अब यहाँ पे जब मीन कैपेसिटी 8 माइनस एलिमेंटेड 10, इट इज लेस देन 0, नहीं होगा अभी, ठीक है। तो जैसे ही 11th वाला ऐड होगा ना, उस समय होगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या हो गया कि 8th भी ऐड हो गया, देखो अब साइज क्या हो गई 8, अब कौन सा एलिमेंट ऐड 9,
ठीक है, फिर कॉल नहीं हुआ ग्रो। अब यहाँ पे देखो एप्पल 10 अभी भी होता है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए मैं एक और लगा दे रहा हूँ, नहीं गया उसमें भी। अब देखो क्या है, साइज हो गया 10, साइज क्या है 10, हम लोग किस पे स्टोर करने जा रहे हैं, 11th पोजीशन पे। अभी तक इस, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैपेसिटी क्या है इस 11 डेटा की। देखो 11 डेटा की कैपेसिटी क्या है, 10। हम लोग कौन सा डेटा स्टोर करने वाले हैं, 11, मतलब अब यहाँ पे ग्रो होना चाहिए तभी तो ऐड कर पाएंगे, क्योंकि 11 डेटा का एरे साइज क्या है, 10, और हमने कितने स्टोर कर लिया, 0 से 9, मतलब 10 एप्पल से स्टोर कर लिया। अब 11th एप्पल कर पाऊंगा या नहीं वो चेक करना है मुझे। अब मीन कैपेसिटी मैंने क्या पास किया, 11th। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं आगे, यहाँ देखो मीन कैपेसिटी क्या है, 11। 11th डेटा डॉट लेंथ क्या है, 10। ठीक है, 10 मतलब 11 माइनस 10 अगेन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। 1 आया माइनस इसका कैलकुलेशन, तो 1 ग्रेटर देन 0, तो अब ग्रो मेथड कॉल हो जाएगा। इस पर फिर से क्लिक करते हैं, ग्रो मेथड कॉल हो गया अभी इस बार, फिर से ग्रो मेथड में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ओल्ड कैपेसिटी मुझे क्या मिला, साइज कितना है इसकी, 10, तो ओल्ड कैपेसिटी 10। अब इस ओल्ड कैपेसिटी शिफ्ट ऑपरेटर गिव्स द 50% इंक्रीमेंट, तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, न्यू कैपेसिटी 10 प्लस 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू कैपेसिटी मेरा 15 हो गया, मीन कैपेसिटी लेस देन 0, तो क्या ये अभी सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अभी भी मेरा न्यू कैपेसिटी क्या है, 15। अब न्यू कैपेसिटी यहाँ पे आ गए, देखो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब 11 डेटा में क्या है, अभी क्या है कि 10 साइज का है, न्यू कैपेसिटी क्या है मेरा, 15। अब मैं एक और आगे बढ़ता हूँ, अब मैं देखता हूँ क्या इस पोजिशन पे क्या हुआ कि आपका एक नया ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट हुआ 15 विथ कॉपिंग द डेटा, मतलब जो डेटा है एक नया साइज बन गया, एक नया एरे बना, कॉपी किया और दूसरे में स्टोर किया और सेम डेटा को रिफ्लेक्ट कर दिया और साइज क्या हो गया, 15। सो इस तरीके से आपका साइज ग्रो होता है यू नो इन एरे लिस्ट। ठीक है, तो यह इंट न्यू कैपेसिटी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यू नो डेटा ऐड, और इस तरीके से साइज ग्रो होता है। थ्रेशोल्ड लोड फैक्टर इज नथिंग लाइक दैट एनीथिंग। एरे लिस्ट में क्या होता है कि जो कैपेसिटी आपका तय हो गया, अभी क्या फ्रूट नेम लिस्ट की कैपेसिटी 15 हो गई है, मतलब अब जब तक मैं 15वां एलिमेंट ऐड नहीं करूंगा इसके जो कैपेसिटी है इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, सो जो लोड फैक्टर थ्रेशोल्ड जो 75% वाला कंसेप्ट आता है वो आपका आता है हैश मैप में, नॉट इन एरे लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, एरे लिस्ट में थ्रेशोल्ड लोड फैक्टर नाम का कोई चीज़ नहीं है, आप लोड फैक्टर 75% नहीं है। ठीक है, अगर आपको आर्ग्यूमेंट करना है तो आप बोल दो कि एरे लिस्ट इसकी लोड फैक्टर इज 1। ठीक है, मतलब आप जब आपका 100% डेटा फुल हो जाएगा तब जाके आपका इसका कैपेसिटी ग्रो करेगा। सो लाइक वाइज यू नो इंटरनली इट वर्क्स, द साइज ग्रोज एंड द ऐड मेथड एंड द कंस्ट्रक्टर। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू नो इन डिटेल सो दैट यू नो एंड यू हैव लर्न्ड ऑल्सो, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगेन आई विल क्रिएट अ वीडियो और विल एक्सप्लेन इन द कमेंट बॉक्स टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स गो टू द पीपीटी टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो की पॉइंट्स इज एरे लिस्ट इज ग्रोएबल और रिसाइजेबल। अब कैसे ग्रोएबल है कैसे रिसाइजेबल है ये मैंने आपको बताया। एरे लिस्ट इज बेस्ड ऑन एरे, ये भी बताया। डिफॉल्ट कैपेसिटी 0 बट आफ्टर एडिंग फर्स्ट एलिमेंट इट बिकम्स 10। एरे लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। एरे लिस्ट इज नॉट थ्रेड सेफ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इसको थ्रेड सेफ कैसे बना सकते हो मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में, जब आप काम कर रहे हो उस समय एरे लिस्ट में कैसे आप हैंडल करोगे। एरे लिस्ट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, ऑल्सो कैन हैव नल वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, सो दीज आर द की पॉइंट्स। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एरे लिस्ट क्रिएशन है सबके बारे में, उससे भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनल इंप्लीमेंटेशंस के बारे में, इंटरनल वर्किंग के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ऐड मेथड कैसे काम करता है, साइज कैसे ग्रो होता है। ठीक है, की पॉइंट्स अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ से भी आप समझ सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कोई कोई पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे अगर आप कोई डेटा ऐड कर रहे हो, एडिंग वन एलिमेंट यूजिंग ऐड मेथड ऐड एलिमेंट, ठीक है, तो उस समय क्या हो कैपेसिटी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वन होती है, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट जो जितना भी साइज भरा हुआ है राइट,
मान लो कि आपका डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 के साथ ऑब्जेक्ट एरे बना हुआ है, आपने अगर पांच एलिमेंट ऐड किया, छठा करना चाहते हो, तो सिक्स पोजिशन पे जाके चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स बेस्ड होता है। एडिंग एलिमेंट यूजिंग एड इंडेक्स, अगर ऐसा करोगे तो आप बता रहे हो किस इंडेक्स पे करना है, तो आपका एक एक करके आइटरेट करेगा, इन दैट केस इट विल बी ओ एन, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गेट मेथड क्या होता है, इंडेक्स के थ्रू काम करता है, इसलिए इट्स ऑलवेज ओ वन, ठीक, क्योंकि यू मैंशन द इंडेक्स, राइट, सो ओ वन। अगर आप रिमूव कर रहे हो तो ओ एन, क्योंकि ओ आइटरेट करेगा टू द एन एथ एलिमेंट्स एंड दैट विल बी रिमूव, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ एरे लिस्ट, एंड इफ स्टिल यू हैव डाउट देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड विल यू नो अगर ऐसा हो तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताऊंगा, बट मैं आपको पूरी तरीके से समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। सो एरे लिस्ट के बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मुझे हेल्प करता है, मोटिवेट करता है टू मेक न्यू वीडियो, ठीक है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, थैंक यू।